नमस्कार, मैं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2025 से पहले मुंबई इंडियंस में खलबली मच गई है और खलबली मच गई है रोहित शर्मा को लेकर, क्योंकि रोहित शर्मा को लेकर मुंबई ऐसी फंस गई है चक्रव्यूह में कि इस चक्रव्यूह में निकलने का ना रास्ता पता चल रहा है ना घुसने का रास्ता पता चल रहा है मुंबई इंडियंस को। क्योंकि 31 तारीख को हर टीम को आईपीएल की मतलब बीसीसीआई को अपनी रिटेन और रिलीज लिस्ट सौंपनी है। अब ज्यादा दिन तो बचे नहीं है 31 तारीख के। अब ऐसे में हर टीम ये प्लान बना रही है कि किस खिलाड़ी को रखना है, किस खिलाड़ी को निकालना है। ऐसे में मुंबई इंडियंस को लेकर पहले से ही सवाल थे, क्योंकि वहां पर रोहित शर्मा भी लाइन में लगे हुए हैं, सूर्य कुमार यादव है, जसप्रीत बुमराह है, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, तिलक वर्मा, तमाम दिग्गज खिलाड़ी हैं। तो किसको रिटेन करना है, किसको रिटेन नहीं करना है, ये तमाम तरीके की परेशानी मुंबई के सामने पहले थी। लेकिन अब बीसीसीआई के एक नियम ने मुंबई इंडियंस को फंसा दिया है, और फंसा ऐसा दिया है कि रोहित शर्मा को लेकर खबर है कि रोहित शर्मा अब ऑक्शन में आ सकते हैं, रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस रिलीज कर सकती है। मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा को लेकर फंस गई है, और सबसे बड़ा अपडेट यह है कि भाई साहब पर्स बिगड़ रहा है, हर टीम का पर्स बिगड़ रहा है। लेकिन चर्चा करेंगे मुंबई इंडियंस की और मुंबई इंडियंस के उस फैसले की जिसके बाद रोहित शर्मा ऑक्शन में आपको नजर आ सकते हैं। मेरे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट मौजूद है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि रोहित शर्मा को लेकर जो चर्चा है कि आपको पता है ऑप्शन को लेकर जो मुंबई इंडिया मतलब बीसीसीआई ने प्लान बनाया, जो पर्स लिस्ट बताई है कि पहले खिलाड़ी को 18 करोड़ देने होंगे, दूसरे खिलाड़ी को 14 करोड़ देने होंगे, तीसरे खिलाड़ी को 11 करोड़ देने होंगे, चौथे खिलाड़ी को फिर 18 करोड़ देने होंगे। ये जो मामला फंसा है ना बीसीसीआई ने जो एक नया नियम बना दिया है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले चौथे खिलाड़ी को टीमें अपने हिसाब से पैसे दे दिया करती थी, अब यह है कि चौथे खिलाड़ी को आपको 18 करोड़ फिर देने पड़ेंगे, पांचवें खिलाड़ी को 14 करोड़ फिर से देने पड़ेंगे। यह है अब नियम। अब छह खिलाड़ियों का है कि छह खिलाड़ी आप रिटेन कर सकते हैं, पांच कैप्ड एक अनकैप्ड कर सकते हैं। अगर आपको ऑक्शन में जाकर आरटीएम लेना है तो आपको फिर पांच खिलाड़ी रिटेन करने पड़ेंगे। अब यहां पर रोहित शर्मा को लेकर जो मामला फंसा है वो ये है कि कम रकम रोहित लेंगे नहीं और ज्यादा रकम रोहित को मुंबई देना नहीं चाहती है। 18 करोड़ रुपए की रकम रोहित को देना नहीं चाहती है, क्योंकि रोहित शर्मा का करियर अब ज्यादा मुंबई नहीं सोच रही और हार्दिक पांड्या को पहले कप्तान बनाया भी जा चुका है। तो ऐसे में बहुत बड़ा मुसीबत जो है मुंबई इंडियंस के सामने फंस चुके। तो इसी को लेकर चर्चा करेंगे। क्या मानना है आपका रोहित शर्मा को लेकर आईपीएल 2025 में, आप किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से मुंबई फंसी हुई है? अभिषेक, आपने चक्रव्यूह की बात की, इस चक्रव्यूह की बुनियाद या कह सकते चक्रव्यूह रचा भी मुंबई इंडियंस ने ही। सबसे पहले वो रोहित हार्दिक पांड्या के पास गए, जिससे कि टीम का संयोजन बिगड़ा। गुजरात का संयोजन बिगड़ा, टीम का गुजरात का बिगड़ा, खुद का भी बिगाड़ लिया। खबर ये आ रही है कि चार खिलाड़ी रोहित शर्मा के साथ बाहर जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने तिलक वर्मा की बात की, जसप्रीत बुमराह की बात की, ये सूर्य कुमार यादव, ये ईशान किशन की बात, सूर्य कुमार की बात की, ये सब भरोसेमंद माने जाते हैं रोहित शर्मा के। एक स्वाभिमान है, आप ऐसे दे करके खरीद बिक्री कर सकते, रिलीज कर सकते हैं, किसी दूसरे को तरजीह दे सकते हैं, तो टीम संयोजन बिगड़ेगा। जहां तक आपने बात की बिड की, रोहित शर्मा 18 करोड़ से कम लेंगे, दे नहीं सकते उससे ज्यादा और उससे कम लेंगे नहीं, तो तीसरा रास्ता उनके पास बचता है कि या तो ऑक्शन में जाएं। ऑक्शन में जाते हैं तो उनके लिए महंगी बोली भी लग सकती है, लेकिन दूसरी टीमों के पास भी यह समस्या है कि उनकी भी पर्स बिगड़ेगा, तो सबका बिगड़ेगा, सबका बिगड़ेगा। तो इससे चौथा रास्ता यह होता है कि रोहित शर्मा अपनी उम्र का हवाला देकर खुद को संन्यास की घोषणा कर, जिसकी भी चर्चा है क्योंकि उन्होंने T20 से ले ली, जिस तरह रिकी पोंटिंग आ गए, दूसरे सीनियर खिलाड़ी जो मेंटरशिप में चले गए, तो उस तरीके से इनके पास एक बीच का रास्ता। ये आपने बहुत बड़ी बात बोली है, मतलब रोहित शर्मा संन्यास ले ले, आईपीएल ना खेले। बिल्कुल, ये पूरी संभावना, इसकी खबर भी है कि रोहित शर्मा इस फजीहे से बचने के लिए एक बीच का रास्ता निकालेंगे कि वो कहेंगे कि मेरा उम्र मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेंटरशिप में जाऊंगा, जिस तरीके से पोलार्ड के साथ हुआ था, पोलार्ड को नहीं रिटेन कर रही थी मुंबई तो पोलार्ड ने संन्यास ले लिया था। ये बीच का रास्ता रोहित शर्मा अख्तियार कर सकते हैं, अगर महंगी उसमें ये भी संभावना, उसकी कम बोली भी लग सकती है। हाँ बिल्कुल, तो कोई भी टीम रोहित शर्मा पर इतना दांव नहीं लगा सकती कि पूरा टीम संयोजन ही बिगड़ जाए, और भी इस तरीके इस उम्र में चोट की संभावना ज्यादा होती है। देखिए, आप बहुत बड़ी बात बोली है। देखिए बिल्कुल, जो हमारे दर्शक हैं वो भी इस पर अपना कमेंट अपनी राय दे सकते हैं। बहुत बड़ी बात बोली है कि रोहित शर्मा, देखिए सीधी सी बात है कि विश्व कप विनर कप्तान है, अभी हाल ही में विश्व कप जिताया है। अब रोहित शर्मा को अगर आप 4-5-6 करोड़ देने लगेंगे तो रोहित शर्मा तो लेंगे नहीं, 11 करोड़ तो लेंगे नहीं। वैसे भी रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच में इस वक्त तनातनी मुंबई में चल रही है, हालांकि टीम इंडिया में तो सब कुछ ठीक नजर आया, लेकिन रोहित तो नहीं चाहेंगे कि वो हार्दिक पांड्या से नीचे कम रकम लें, क्योंकि अभी विश्व कप विनर कप्तान है।
और अगर हार्दिक पांड्या से ज्यादा रकम देती है मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा को, तो हार्दिक पांड्या भी चल जाएंगे वहां पर, बोलेंगे भैया मुझे क्यों कम दे रहे हो, मैं तो आपका कप्तान हूं। तो यहां पर भी तो मामला फंस रहा है ना, कप्तान को दूसरे खिलाड़ी से कम दिया नहीं जा सकता, ये तो सरासर एक तरीके से बिल्कुल गलत होगा, मनोबल पर असर पड़ेगा रोहित, हो सकता है जब कप्तान ही हथियार डाल दे टीम लड़ेगी कैसे। तो इस तरीके ये पूरा जो चक्र भी आपने शुरुआत में बात की थी, इसमें मुंबई ने फंस चुकी है। चार बार के चैंपियन बनाए, पांच बार बना चुके हैं रोहित शर्मा। और इस टीम इंडिया को खिताब जिताने वाले को भी कप्तान बनाने की वो पूरा दबाव है उस पे, तो और टीम का संयोजन भी बिगड़ रहा है। मुंबई के फैंस भी बोल रहे थे कि चार खिलाड़ी अगर चले जाते हैं, जो जसप्रीत बुमराह दुनिया का टॉप का गेंदबाज, मुंबई भी नहीं चाहेगी, अगर वो चला जाता है, इनके पास विश्व कप की ट्रॉफी है तो इनके लिए उससे बड़ा कोई ट्रॉफी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर वो उसको हवाला देकर के वो बाहर जा सकते हैं, क्योंकि वो पैसे के बीट में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि बहुत बार ये होता है रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी, कितने सीनियर खिलाड़ी है, इतने साल उन्होंने देश की सेवा की है, मुंबई इंडियंस को 5 बार का खिताब दिलाया है, तो पैसे के चक्कर मुझे नहीं लगता है कि वो पड़ेंगे, वो बीच का रास्ता अख्तियार करेंगे, और हो सकता है मेंटरशिप वाले में जाए, उनको उम्र भी उतना साथ नहीं दे रहा है। देखिए बहुत बड़ा एक ऐलान हो रहा है कि रोहित शर्मा आईपीएल 2025 से पहले संन्यास ले सकते हैं। जाहिर तौर पर ये देखिए बहुत बड़ी खबर है। मुंबई इंडियंस के जो फैंस हैं, अगर वो इस चीज को अंदर गहराई तक जाकर समझें, या फिर रोहित शर्मा के जो फैंस हैं, क्रिकेट फैंस हैं, तो जाहिर तौर पर ये सच हो सकती है कि आईपीएल 2025 से पहले रोहित शर्मा संन्यास ले ले। और उसका एक एग्जाम्पल नहीं है, इसके कई सारे एग्जाम्पल आईपीएल में आ चुके हैं। एबी डिविलियर्स बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। आरसीबी एबी डिविलियर्स को रिटेन नहीं कर रही थी, अंदर खाने खबर थी कि एबी डिविलियर्स रिटेन नहीं होंगे। एबी डिविलियर्स ने बोला कि भैया दूसरी टीम में तो मैं जाऊंगा नहीं, वहां पर जाकर तो मेरा स्टेटस बिगड़ जाएगा, क्योंकि आरसीबी के साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है, तो मैं संन्यास ले लेता हूं। एबी डिविलियर्स ने संन्यास ले लिया जबकि दिग्गज खिलाड़ी थे। उसके बाद में किरण पोलार्ड ने संन्यास ले लिया, ब्रावो ने संन्यास ले लिया, ऐसे कई सारे खिलाड़ी हैं आईपीएल के इतिहास में। अगर आप गिनने जाएंगे तो कई सारे दिग्गज खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया क्योंकि उनको उतनी रकम नहीं दी जा रही थी। तो क्या इस मामले को लेकर अब रोहित शर्मा भी संन्यास ले लेंगे, क्योंकि मुंबई इंडियंस उनको उतनी रकम नहीं देना चाहती है, जो खबर है सूत्रों के हवाले से कि 18 करोड़ रुपए मुंबई रोहित शर्मा को देना नहीं चाहती है और 11 करोड़ रुपए रोहित शर्मा लेना नहीं चाहते हैं। यहां पर बात जो है वो अटकी हुई है। अब यहां पर मेरा एक सवाल आपसे और होगा कि 18 करोड़ रुपए में दो खिलाड़ी खरीदे जाएंगे, जैसे अगर हम पूरा समीकरण देखें, पूरा देखें बीसीसीआई का नियम, कि पहले खिलाड़ी को 18 करोड़ देने पड़ेंगे, आपको चौथे खिलाड़ी को भी 18 करोड़ देने पड़ेंगे। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि आपको क्या लगता है मुंबई इंडियंस कितने खिलाड़ी रिटेन करेगी और कौन से खिलाड़ी को कौन कौन से नंबर पर रिटेन करेगी? मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को रिटेन करने की संभावना संभावना है, लेकिन यहाँ पैसे वाला मामला फंस रहा है। ठीक है, मुंबई इंडियंस का अगर दूसरे खिलाड़ी चार खिलाड़ी बाहर जाते हैं तो उस संभावना में देखेंगे कि अगर रोहित शर्मा को ज्यादा पैसा देने से अच्छा है कि जो चार खिलाड़ी बाहर जाएंगे उतने ही पैसे में चार खिलाड़ी को और ले लिया जाए। और 25 में उनका समीकरण बिगड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि 26 में उनका समीकरण, टीम एक संयोजन की बात होती है, वो बैठ जाए। पहले नंबर पे कौन है मुंबई का आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से क्या कहते हैं, मुझे तो ये भी संभावना लग रही है कहीं कि हार्दिक पांड्या को भी ना रिलीज कर दिया जाए। ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि दोनों में टीम जो माल टीम के फ्रेंचाइजी है वो नहीं चाहते कि टीम का नाम खराब हो, दोनों की लड़ाई कोई, टीम का हित जो है ना वो खराब हो। मेरे विचार से दोनों को बाहर कर दिया, क्योंकि ऑलराउंडर अभी नए खिलाड़ी फैंस नाराज नहीं होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हाँ बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात है कि फैंस नाराज नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर रोहित को निकाल दिया और हार्दिक को रख लिया तो फैंस बोलेंगे भैया ये तो रोहित के साथ गलत हुआ, और रोहित को रख लिया हार्दिक को निकाल दिया तो फैंस बोलेंगे भैया हार्दिक के साथ गलत हुआ, और अगर दोनों को रखेंगे तो पर्स बिगड़ जाएगा। सीधी सीधी सी बात है, पर्स ढीला हो जाएगा, वहां पर फिर आपको 79 करोड़ रुपए खर्च करने ही पड़ेंगे, क्योंकि बुमराह का तो लंबा करियर है, सूर्य कुमार यादव भी अभी फिट है, 4-5 साल खेलेंगे, तो इन दोनों को तो मुंबई इंडियंस निकालने की सोचेगी नहीं। तिलक वर्मा और ईशान किशन आने वाले वक्त के सुपरस्टार हैं, इनको भी निकालने के बारे में नहीं सोचेगी। तो ये बिल्कुल सही आंकलन है आपका कि रोहित शर्मा और हार्दिक दोनों को निकाल दिया जाए और उनकी जगह किसी दूसरे को, या फिर हो सकता है कि इन दोनों को ले लिया जाए आरटीएम के तहत वहां पर ऑक्शन में, ऐसा भी हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है आईपीएल 2025 से पहले मुंबई इंडियंस को लेकर, बहुत बड़ा अपडेट। और देखिए रोहित शर्मा को लेकर केवल मुंबई का ही प्लान नहीं बिगड़ रहा है, अगर मुंबई रिलीज कर देती है और जो टीम रोहित के पीछे जाएगी, जाहिर तौर पर देखिए कई सारी टीमों को कप्तान की जरूरत है, पंजाब की मालकिन साफ कह चुकी है, लखनऊ में हो सकता है कि कप्तान की जरूरत इस बार पड़े, और भी कई सारी टीमें हैं जिनको कप्तान की जरूरत पड़ सकती है, गुजरात पहले से ही कह चुकी है कि हम भैया बदला ले सकते हैं हार्दिक पांड्या का, अगर रोहित शर्मा बाहर चले गए तो गुजरात भी रोहित शर्मा के पीछे जा सकती है। तो ऐसी कई सारी टीमें हैं जिनको रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी की जरूरत
जरूरत है। तो ऐसी ऑब्वियसली अगर ऑक्शन में रोहित शर्मा जाएंगे तो बड़ी बिड होगी, तो जो टीम खरीदेगी रोहित को उसका भी पर्स बिगड़ेगा, क्योंकि वो 10-12 करोड़ वाला खिलाड़ी तो है नहीं, रोहित शर्मा बड़े बिड वाले खिलाड़ी हैं। तो यहां पर आईपीएल 2025 से पहले जो सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है हर टीम के लिए या बीसीसीआई के लिए या फैंस के लिए, वो रोहित शर्मा है। हर कोई यह जानना चाहता है कि रोहित शर्मा को लेकर क्या फैसला होगा, रोहित मुंबई में रहेंगे नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे तो फिर किस तरीके से क्या फैसला होगा, क्या वास्तव में रोहित शर्मा संन्यास लेने वाले हैं, क्या वास्तव में रोहित शर्मा बाकी खिलाड़ियों की तरह डिविलियर्स की तरह पोलार्ड की तरह क्रिकेट को T20 को आईपीएल को अलविदा कह देंगे, बोल देंगे कि भैया मैं आईपीएल नहीं खेल रहा हूं, क्योंकि कम रकम में वो जाना नहीं चाहेंगे, ज्यादा रकम उनको मिल नहीं पा रही है। तो ऐसे में क्या रोहित शर्मा अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपने स्टेटस को बचाकर रखने के लिए क्या रिटायरमेंट ले लेंगे, यह बहुत बड़ा सवाल है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, क्योंकि रोहित शर्मा का मामला बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है और अंदर की खबर यह है कि रोहित शर्मा को लेकर इस वक्त मुंबई इंडियंस बहुत बुरी फंसी हुई है कि कितनी रकम दी जाए, मनाने की कोशिश चल रही है लेकिन रोहित शर्मा कम रकम में खेलने के लिए तैयार नहीं है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा, क्या आपको भी लगता है कि रोहित शर्मा आईपीएल 2025 से पहले रिटायरमेंट ले सकते हैं या ले लेना चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।